सर लेक्चर रिकॉर्ड कर ले काइंडली। जी सर, मैंने स्टार्ट जी बेटा मैंने कर जी बेटा जी, इसको ड्रॉ करें जो फिगर आपके सामने है, हेडिंग दें फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब, और आपके सामने जो फिगर है काइंडली इसको जो है ना वो ड्रॉ करें जल्दी से। जी मोहम्मद शर्जील, आप बेटा ड्रा कर रहे हो उसको कॉपी पे? जी सर। जी शबी हसन, बेटा आप कर रहे हैं ड्रा? यस सर कर। एक्सक्यूज मी सर, सर अभी क्लास ज्वाइन की है, ड्रॉ क्या करना है ये बता दें। बेटा ये फिगर जो नजर आ रही है ना आपको, फिगर ड्रॉ करें। ओके सर। जी सैयद फरजान, आप बेटा ड्रा कर रहे हैं? सर मैंने अभी सर अभी मैंने ही पूछा है कि अभी क्लास ज्वाइन की है तो। अच्छा, अच्छा मोहम्मद कामरान पाकिस्तान, क्या टॉपिक है बेटा आज का मोहम्मद कामरान साहब? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। रजिया जुवेद, आप बेटा ड्रा कर रही हैं? उमर रजाक, यस सर। ठीक हो गए, गुड। अली रजा साहब हैं इधर? जी सर। बेटा आप सीआर है ना सेक्शन बी के? अली नहीं सर, बोली आरिफ है। आरिफ है, अली आरिफ है यहाँ पर? उमर अमीन, दोनों सी आर गायब हैं। अच्छा बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है ना वो है फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एज अ केमिकल इंजीनियर हमें पता है जी कि फ्लो जो है वो सर्कुलर ट्यूब्स में पाइप फ्लो जो है इज अ वेरी एक्सटेंसिव फिनोमिना दैट अकर इन अ केमिकल इंडस्ट्री। अगर आप एक केमिकल इंडस्ट्री में जाएं तो आपको पाइपलाइंस ही पाइपलाइन नजर आती हैं, कोई स्ट्रेट पाइपलाइन होती हैं, कोई वर्टिकल होती हैं। तो इक्विपमेंट और यूनिट ऑपरेशंस आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड हैं, यू नो दे आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट पाइप्स, एंड थ्रू दिस पाइप द फ्लो ऑफ द लिक्विड और फ्लो ऑफ द गैस टेक प्लेस। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने थोड़ा ये सोचे कि अगर एक पाइप में फ्लो हो रहा है, एक पाइप लाइन है उसमें फ्लो हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल घरों में भी हम देखते हैं, घरों में पानी की पाइपलाइंस हमारे होती हैं, तो एक पानी की पाइपलाइन है या एक केमिकल इंडस्ट्री में एक पाइपलाइन है जिसके अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, या एक रिफाइनरी है जिसके अंदर पाइपलाइन में जो है वो एक क्रूड ऑयल फ्लो कर रहा है। तो एज अ केमिकल इंजीनियर आपने अगर उस फ्लो का एनालिसिस करना है तो आप उस फ्लो का एनालिसिस किस तरह करेंगे, किस परस्पेक्टिव से उसका एनालिसिस करेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से किस चीज में आप इंटरेस्टेड होंगे अगर आप उस फ्लो का एनालिसिस करना चाहें।
जी अंबर इकबाल, जी अम्मार नजीर, सर प्रेशर डिफरेंट, फ्लूइड डायनेमिक्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो वन थिंग कि जब भी पाइप फ्लो की बात आती है तो हम कहते हैं जी प्रेशर, प्रेशर हमारे जेन में आता है, प्रेशर डिफरेंस जेन में आता है। उसके बाद और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप जाएं तो, जी अदरीस सलीम, सही अगर प्लेट रख दें दरमियान में सोलर प्लेट, उससे भी तो उसका हमें फ्लो तो पता चल जाता है ये हमारा क्या है। ठीक 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 जी। अजहर रशीद, डायरेक्शन भी देखेंगे। ओके डायरेक्शन भी हम देखेंगे कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है या अलोंग द ग्रेविटी है। सो अगर एक बेटा फ्रिक्शन लॉसेस सर देखेंगे पाइप की वजह से। वेरी गुड बिल्कुल। एंड एज अ केमिकल इंजीनियर हम उसमें फ्रिक्शन लॉसेस देखेंगे ताकि हम उसका पंप डिजाइन कर सके। सो ये जो फ्लो थ्रू सर्कुलर ट्यूब्स है या फ्लो थ्रू पाइपलाइन है, इट इज नॉट ओनली द फॉर इनटू द डोमेन ऑफ केमिकल इंजीनियर। यू कैन सी इवन इन आवर बॉडीज द ब्लड, द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द वेन्स इवन इज द एग्जाम्पल ऑफ द flow through circular tube. Flow, blood is a liquid and that is flowing into our body through the veins. So the flow through a circular tube encountered in the engineering, particularly in chemical engineering as well as in biology and other phenomena as well. So think about it. First of all, you have to develop thinking कि अगर एक pipeline में flow हो रहा है तो मैंने उसका analysis करना है। किस लेवल का एनालिसिस करना है, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस अगर करना है तो इट मींस कि आप इन और आउट का बस बैलेंस लगाएंगे बात खत्म हो जाएगी। बट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द माइक्रोस्कोपिक बैलेंस इट मींस यू आर इंटरेस्टेड इन द व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द सिस्टम। कि अगर आप इसका एनालिसिस आपने हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, मास ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या मोमेंटम ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अगर हमने फ्लो थ्रू सर्कुलर ट्यूब का जो एनालिसिस है मोमेंटम ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो जब भी मोमेंटम का वर्ड आता है तो आपके जहन में आना चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो कहां पर किस पॉइंट के ऊपर कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहां पर वेलोसिटी मिनिमम है। जब मोमेंटम बैलेंस का, मोमेंटम का वर्ड आए तो आपके जहन में आना चाहिए फोर्सेस का, कि लिक्विड ने उस ट्यूब में से, उस पाइपलाइन में से गुजरते हुए फोर्स लगानी है। अक्सर आपने देखा है ना कि एकदम अगर आपके घरों में नलके के साथ अगर पाइप जो है वो अटैच हो पानी लगाने के लिए, सिंपल एग्जांपल है, तो आप एकदम जब जो है वो नलका खोलते हैं तो एकदम जो है वो पाइप जो है वो हिलता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करता है। और अगर फ्लो एकदम बहुत तेज हो जाए तो उस पाइप का सिरा पकड़ना भी आपके लिए मुश्किल होगा, आप गीले हो जाएंगे सर। तो मींस कहने का मकसद ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब लिक्विड जो है वो एक पाइपलाइन में से पास करता है तो उसकी वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दैट फोर्स। कि हमें देखना होता है कि कितनी फोर्स लग रही है, कहीं इतनी ज्यादा फोर्स तो नहीं लग रही कि वो मटीरियल जो है वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। सो मोमेंटम बैलेंस व्हेन वी अप्लाई वी आर इंटरेस्टेड इन द फोर्सेस, वी आर इंटरेस्टेड इन द शियर स्ट्रेस, वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रेशर, वी आर इंटरेस्टेड इन द वेलोसिटी। So we will analyze the flow of an incompressible fluid through a pipeline whose total length is capital L. Capital L total length है जी pipeline की जिसको हमने consider करना है। और बेटा capital R is the radius. वो R जो है उसका radius. यानी एक pipeline है जिसका total radius जो है कैपिटल आर है और उसकी लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। और उसका जो एक्सिस होगा वो बिल्कुल आपको पता है पाइप का एक्सिस इज द सेंट्रल लाइन होगी। तो इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे कि एक विस्कस फ्लो हो रहा है, रेक्टिलिनियर है, सिंपल आइडियलाइज स्टेडी स्टेट मोमेंटम कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, न्यूटोनियन फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लो एंड एंड इफेक्ट्स ऑफ नेग्लिजिबल। यानी ये हम सारी जम्पशन लगाएंगे कि फ्लो लेमिनार हो रहा है, डेंसिटी और विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब डेंसिटी और विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही तो फ्लो को हम क्या कहेंगे कि इनकंप्रेसिबल फ्लो है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, स्टेडी स्टेट फ्लो है, ठीक है।
ठीक है, ये सारी अजम्पशन हम फ्लो के ऊपर लगाएंगे. एंड अफेक्ट्स आर नेगलिजिबल. ये जो पहला हमने केस किया था बेटा, जो फॉलिंग फिल्म का केस किया था, उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एंड अफेक्ट, कि जब लिक्विड ने एक पाइपलाइन के अंदर एंटर होते ही है ना, तो वहां पर टर्बुलेंस जनरेट होती है, वोर्टिसेस जनरेट होती है और फ्लो वहां पर टर्बुलेंट होता है. लेकिन हम कह रहे हैं कि एंड अफेक्ट्स नेग्लिजिबल है, फ्लो जब एंटर होगा तो बिल्कुल स्मूथली एंटर होगा, फ्लो जब लीव करेगा तो बड़ा स्मूथली और लैमिनार डायरेक्शन में, लैमिनार मोड में फ्लो लीव करेगा. एंड अफेक्ट्स जो है वो नहीं है. टोटल लेंथ एल है और आर जो है वो उसका जो है वो रेडियस है, उसमें से फ्लो कर रहा है. एंड डाउनवर्ड फ्लो अंडर प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस एंड ग्रेविटी. अब अगर हम अज्यूम कर रहे हैं डाउनवर्ड फ्लो, याद रखें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लो जो है इस पाइपलाइन में डाउनवर्ड है. जब डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो ग्रेविटी की वजह से फ्लो होता है, ठीक है. प्रेशर डिफरेंस अगर एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा, तो अगर डाउनवर्ड फ्लो है तो इट मीन्स कि ग्रेविटी की वजह से है. प्रेशर डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो लास्ट जो केस किया था बेटा हमने, जो फॉलिंग फिल्म का केस किया था, उसमें हमने इसलिए प्रेशर कंसीडर नहीं किया था, प्रेशर डिफरेंस कंसीडर नहीं किया था. हमने कहा था कि ग्रेविटी की जो है वो अंडर वो फ्लो नीचे आ रहा है. लेकिन अब हम सेकेंड केस कर रहे हैं तो हम प्रेशर का भी फैक्ट लेकर आएंगे, ठीक है. तो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो ग्रेविटी के अंडर हो रहा है और प्रेशर डिफरेंस के अंडर हो रहा है, ठीक है. तो अगर इसी फ्लो को मैं कहूं कि अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो अब आपको लाजमी प्रेशर डिफरेंस जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपवर्ड फ्लो हो रहा है इट मींस अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो फ्लो हो रहा है. तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी वो फ्लो हो रहा है तो इट मींस के प्रेशर तो लाजमी उसको अप्लाई किया होगा, ठीक है. सो एनी हाउ दिस मे बी द सेकेंड केस. अभी जो है फॉर द टाइम बींग हम कंसिडर कर रहे हैं कि फ्लो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जी बेटा जी, क्या होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जी अब्दुल रहमान? थोड़ी सर सिलेंड्रिकल का आइडिया है. अच्छा जी जी फहीम. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम जी बेटा. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सिलेंडर जो है उसकी डायमेंशंस ही होंगी ये. वेरी गुड. तीन अगर हम देखें ना, अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें तो रेक्टेंगुलर प्लेन में होता है एक्स वाई जी. तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में तीन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? रेडियस. रेडियस हो गया. वेरी गुड हुसैन. आर रेडियस और एंगल हो गया जेड डायरेक्शन. तो बेटा जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, आर थीटा एंड जेड. मींस कि अगर एक सिलेंडर के अंदर आप अज्यूम करें, सिलेंडर आपके हाथ में जो बॉल पॉइंट या पेंसिल अगर पकड़ी हुई है, तो वो बॉल पॉइंट भी सिलेंड्रिकल शेप का है बेटा. उसकी एक लेंथ जो एक डायमेंशन जो है वो टोटल लेंथ एल है, एक डायमेंशन जो है वो रेडियस आर है, और थर्ड डायमेंशन जो है वो थीटा है. जिस तरह वो घड़ी की सुइयां जो होती है वो मूव करती है ना थीटा डायरेक्शन में, तो थर्ड डायरेक्शन जो होगी वो थीटा होगी. तो सिलेंडर के अंदर अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को बेटा डिफाइन करना होता है तो हमें तीन वेरिएबल चाहिए होते हैं, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और जेड की वैल्यू. जिस तरह एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, एक्स वाई जी रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो उस प्लेन में जब आपने किसी पॉइंट को जो है वो डिफाइन करना होता है तो आपको एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू और जेड की वैल्यू कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं. सिमिलर इज द केस विद द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. इफ यू वांट टू स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है एक पॉइंट यहां पर सिलेंडर के अंदर, ये पॉइंट मैं यहां पर बनाता हूं, ये एक पॉइंट जो है वो मैंने अगर ये बनाया, फर्ज करें ये पॉइंट जो है ना मैंने सिलेंडर के अंदर बनाया, तो अब अगर आपने इस पॉइंट को जो है इसकी पोजिशन को डिफाइन करना है तो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ L की वैल्यू जो है ना कितनी है. मींस कि आप एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो ये यहां पर ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, ठीक है. जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि उसने रेफरेंस पॉइंट R और Z लिया, फर्ज करें ये रेफरेंस पॉइंट है आपका,
ठीक है, तो आप इधर से देखेंगे कि ये इस रेफरेंस पॉइंट से कितने फासले पे है, दैट इज जेड वैल्यू। फिर आप इसके सेंट्रल एक्सिस से देखेंगे कि इसकी सेंट्रल एक्सिस से ये कितना बाहर है, दैट इज आर वैल्यू। ठीक है, और थर्ड होगी थीटा डायमेंशन, कि आप थीटा डायमेंशन जो है वो देखेंगे कि थीटा डायमेंशन में वो एंगल जो है वो कितना बन रहा। तो किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए अब ये अंडरस्टैंडिंग जो है कोऑर्डिनेट्स की बहुत जरूरी है। ये जो लेंथ होगी इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये उसका जेड वैल्यू हो जाएगी। और अब आर जो मेजर करना है तो वो सेंट्रल एक्सिस से मेजर करना है, ये फासला जो होगा ये आर की वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके बाद ये इसकी रोटेशन देखेंगे कि ये थीटा वैल्यू इसकी कहां पर है। सो आर जेड एंड थीटा, आर जेड एंड थीटा, ये तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा किसी भी सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरी है। अगर आप इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको जो है वो नेक्स्ट आपको ये इसको समझ लगेगी आपको। जी बेटा, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए ना सबको। जी जुनेद, खतीजा, शम्स, खान, खान शहरोस, जी खान शहरोस, जी शर्जील, आप बताएं। यस सर, क्लियर है। तो ये सिलेंड्रिकल क्वाड, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। कि अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लो जो है बेटा किस डायरेक्शन में है। फ्लो जो है मेन फ्लो जो है वो जेड डायरेक्शन में है। अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो ये जो है वो जेड कोऑर्डिनेट है और ये जो है वो आर कोऑर्डिनेट है। तो मेन फ्लो जो है वो क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है तो मेन फ्लो जो है वो जेड डायरेक्शन में होगा। इट मींस के वी जेड जो है एग्जिस्ट करेगी, जो बाकी दो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं वी आर और वी थीटा वो जीरो होंगे। वी आर मीन द वेलोसिटी इन द आर डायरेक्शन, रेडियस के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है वो जीरो होगा। वी थीटा मीन के थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो थीटा डायरेक्शन में भी फ्लूइड जो है वो यानी कि रोटेट नहीं कर रहा, तो फ्लूइड रोटेट नहीं कर रहा, तो इट मींस के वी थीटा भी जीरो। सो वी आर एंड वी थीटा जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ओनली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी जेड एग्जिस्ट करेगी एंड वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ आर। इसको बेटा अंडरस्टैंड करें कि वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ आर का क्या मतलब है कि ये वेलोसिटी जो वी जेड जो है ये आर डायरेक्शन में चेंज हो रही है। वी जेड वेलोसिटी जो है ये आर डायरेक्शन में चेंज हो रही है। और आपको पता है कि पाइप में जो फ्लो होता है तो ये आपको पहले से कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो सेंटर ऑफ द पाइपलाइन में होती है और मिनिमम वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी जो होती है वो साइडों पे होती है और एक एक पैराबोला वेलोसिटी का बना होता है। तो इट मींस कि जो वी जेड वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन द आर डायरेक्शन। सो वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, ठीक है, एंड वी जेड इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड। ये हमने फुली डेवलप फ्लो की जो है वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था पिछले केस में भी कि वी जेड की वैल्यू जो है वो जेड के लॉन्ग चेंज नहीं हो रही, वी जेड जो है वो आर के लॉन्ग चेंज हो रहा है। एंड प्रेशर पी इज अ फंक्शन ऑफ जेड, क्योंकि हमने कंसीडर किया हुआ है कि फ्लो प्रेशर डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस कि ये जेड डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई बंदा जेड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है लॉन्ग द फ्लो तो उसको हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो डिफरेंट मिलेगा। So P is a function of Z. Okay, next जो important चीज है बेटा वो ये है कि अब हमने momentum balance apply करना है। जब momentum balance apply करना है तो हमने क्या करना है कि हमने एक shell consider करना है। Now we consider a system of a cylindrical shell of thickness delta R and length L. अब आप जरा hypothetical सा जरा सोचें कि हमने इस पाइपलाइन के अंदर जो शेल कंसीडर करना है वो भी जस्ट लाइक जो होगा वो सिलेंडर ही होगा। तो ये जो है ये आपको एक शेल जो है वो दिखाया गया, शेल का जो क्रॉस सेक्शन है वो उसको दिखाया गया, ठीक है, यानी हाफ शेल जो है ये दिखाया गया और हाफ जो होगा वो दूसरी साइड पे होगा क्योंकि ये आपको क्रॉस कट व्यू जो है वो दिखाया गया। इस शेल की जो टोटल लेंथ होगी वो टोटल लेंथ होगी एल
और इस शेल की जो थिकनेस है वो थिकनेस होगी डेल्टा आर, ये जो है थिकनेस दिस इज द डेल्टा आर, ठीक है बेटा, दिस थिकनेस इज द डेल्टा आर। तो जस्ट लाइक अगर एक कागज हो और आप उस कागज को जो है ना वो गोल उसको लपेट लें, ठीक है, उसका उसको रैप रैप कर लें, तो जस्ट लाइक वो एक शेल होगा और उस शेल की थिकनेस जो होगी वो डेल्टा आर होगी, ये वो भी, ये भी डेल्टा आर है इस तरफ, ये भी डेल्टा आर है, ठीक है। तो ये डेल्टा आर जो होगी वो उसकी थिकनेस होगी और टोटल जो शेल की लेंथ होगी वो वही होगी जो टोटल पाइप की लेंथ है, ठीक है। अब हमने जी बेटा शेल की समझ लग गई, वी हैव कंसीडर्ड अ शेल, ए सिलेंड्रिकल शेल जो है इस फ्लो के अंदर पाइपलाइन के अंदर हमने एक हाइपोथेटिकल शेल कंसीडर किया और वो शेल भी जो होगा बेटा वो सिलेंड्रिकल शेप रोटेट गोल शेप का ही सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा। उस शेल की जो थिकनेस है वो डेल्टा आर है और लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। जी बेटा शेल की समझ लग गई है, शेल की शेल की शेल को समझना जरूरी है। जी मोहम्मद अफाक। जी सर। शेल जो है बेटा हाइपोथेटिकल, एक आप अपने माइंड में जरा उसको सोचें, तो शेल की थिकनेस क्या है बेटा? सर डेल्टा आर। डेल्टा आर एंड थिकनेस शुड बी एज लो सो दैट डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो, यानी इतना थिन इतना बारीक शेल जो है वो हमने कंसीडर किया हुआ है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग डेल्टा आर जो है वो जो है वो जीरो है, ठीक है। जी मदनी खिजर साहब। जी सर। जी बेटा आपको समझ लगी है इसकी? यस सर थिकनेस को समझ आ गई। ठीक है, मेन जो फ्लो हो रहा है बेटा किस डायरेक्शन में हो रहा है मदनी? सर जी डायरेक्शन में। मेन जो फ्लो होगा तो हम मोमेंटम बैलेंस जो है उसका कौन सा कंपोनेंट अप्लाई करेंगे? जी कम जी कंपोनेंट। अफाक साहब ठीक कह रहे हैं कि उसका फिर हम जी कंपोनेंट अप्लाई करेंगे। अब हमने इस शेल के ऊपर बेटा मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम जो है जब मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करना है तो पहले कंपोनेंट डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सा कंपोनेंट जो है उसका मोमेंटम बैलेंस लगाना। तो क्योंकि मेन फ्लो जो है वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, ये उसने कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं आपके लिए कि दिस इज द, और ये ओरिजिन है, ठीक है, जिस तरह एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो उसकी ओरिजिन होता है जीरो पॉइंट होता है, तो उस इसकी सिलेंडर की ओरिजिन उसने ये बनाई है कि यहां से जेड स्टार्ट होगा और यहां से जो होगा वो आर इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, तो ये आपने ओरिजिन जो है वो याद रखना। सो वी अप्लाइड द जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अब मुझे बताएं कि ये जेड कंपोनेंट जो है मोमेंटम का, यानी कि जेड मोमेंटम जो फ्लो हो रहा है, ये जेड मोमेंटम कितनी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ये जेड कंपोनेंट कितनी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा होगा? सर तीन में हो रहा। जी वेरी गुड, कौन कौन सी तीन डायरेक्शन बेटा? सर आर में हो रहा और सर बेसिकली ठीक है, जो सर हमारी तीन डायमेंशन है L, Z, R और थीटा में। वेरी गुड, यानी Z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम जो है, मोमेंटम जो है क्योंकि वेक्टर और टेंसर इन नेचर है, तो Z कंपोनेंट जो है वो तीनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। Z कंपोनेंट अलोंग Z डायरेक्शन भी हो रहा होगा, Z कंपोनेंट जो है वो R डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, Z कंपोनेंट जो है वो थीटा डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये तीनों कंपोनेंट जो है वो कंसीडर करने हैं। तो अगर मैं इसको फाई की शक्ल में लिखना चाहूं तो एक मेरे पास होगा कंपोनेंट फाई आर जेड, दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा कोई बताइए, शाबाश मुझे, फाई फाई जी जी फाई जेड, वेरी गुड, फाई जी जी जेड कंपोनेंट इन द जेड डायरेक्शन, फाई आर जी जेड कंपोनेंट इन आर डायरेक्शन, और थर्ड कौन सा होगा बेटा? फाई थीटा जी, वेरी गुड, फाई थीटा जी, ये जेड कंपोनेंट इन द थीटा डायरेक्शन। अब इस चीज को थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करेंगे ना, तो इमेजिन करना थोड़ा सा वो एक हाइपोथेटिकल सी चीज हो जाएगी कि एक कंपोनेंट जो है वो तीनों डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है, ठीक है। सो हम इन तीनों कंपोनेंट के लिए जो है वो इक्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे बेटा कि जेड रेट ऑफ जेड मोमेंटम इन across annular surface at z is equal to zero,
and rate of z momentum out across annular surface at z is equal to l. तो पहला कंपोनेंट का जो इन होगा और आउट होगा वो होगा z is equal to 0 और z is equal to l के ऊपर. तो यहां ये बात कर रहा है ये वाले कंपोनेंट की कि phi zz at z is equal to 0 यानी कि z momentum along z axis. तो ये यहां से इन हो रहा होगा बेटा और यहां पर जो होगा ये आउट हो रहा होगा z is equal to l के ऊपर. So phi is z at z is equal to l, flux of z momentum out at z is equal to l and flux of z momentum in at z is equal to 0. So ये होगा phi z z shell में जो यानी कि z component. अब phi z z का मतलब क्या है ये मैंने पहले भी आपको समझाया था और कहा था कि अच्छी तरह इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा. phi z z का मतलब है कि रेट के फ्लक्स ऑफ z कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस या इसको सेकंड आप ये कह लें कि फ्लो ऑफ z कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम अक्रॉस अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस. ठीक है. अब ये जो एरिया है जिसमें से z मोमेंटम फ्लो कर रहा है ये वाला एरिया जिसको मैंने ये हाईलाइट किया जहां से ये एरो का साइन इन है ये एरिया जो है ये कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर फाई जी जी जो है वो इन हो रहा है ये एरिया कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है थोड़ा सा इमेजिन करें अगर आप जी एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है तो फाई जी जी जो होता है यही होता है कि z component of momentum across an area that is perpendicular to z axis phi z z होगा. अगर मैं कहूंगा phi r z तो phi r z मैं कहूंगा कि z component of momentum flux across a plane that is perpendicular to r. ठीक है. सो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं phi z z की रेट ऑफ z component of momentum across annular space at z is equal to 0 in होगा z is equal to l out होगा. अच्छा जी इसको लिखा है हमने phi z z at z is equal to 0 and phi z z at z is equal to l. इसके साथ ये 2 pi r capital delta r क्या चीज है ये कौन बताएगा. एरिया सर. एरिया कौन सा क्योंकि हमें पता है कि ये फाई जो होता है ये फ्लक्स होता है और हमने इसको फ्लक्स को मल्टीप्लाई करना है एरिया के साथ ताकि रेट बने क्योंकि हमने इक्वेशन लिखनी है मोमेंटम बैलेंस की रेट ऑफ मोमेंटम फ्लक्स ऑफ मोमेंटम नहीं लिखना रेट ऑफ मोमेंटम लिखना. सो अब ये जो एरिया है ये एरिया कौन सा बन रहा है ये एरिया बन रहा है 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर. 2 पाई आर जो होता है ये कंप्लीट इसका सर्कुलर होगा और डेल्टा आर जो होगी ये इसकी थिकनेस होगी. So 2 pi r into delta r ये उसका ये annulus का ये वाला जो एरिया बनेगा that is 2 pi r delta r shell की thickness वाला एरिया जिसको मैंने ये color किया. ठीक है. तो इसका formula किस तरह आएगा ये आएगा 2 pi r और multiply by delta r where delta r is the thickness of the shell. So, ये तो हो गया z momentum along z axis. Next होगा बेटा z momentum across R. इसको हम कहेंगे रेट ऑफ z मोमेंटम अक्रॉस सिलेंड्रिकल सरफेस एट R और रेट ऑफ z मोमेंटम अक्रॉस सिलेंड्रिकल सरफेस एट R प्लस डेल्टा. ये बेटा ये शो किया गया यहां पर ये कि phi rz एट पॉइंट R इज फ्लक्स ऑफ z मोमेंटम इन एट R. अब ये जो है ये R डायरेक्शन यही वाली है ना ये क्रॉस थी जिसका मैंने ये निशान लगाया एरो का. So, इस अब ये शेल है तो इस शेल में जो होगा ये इनका उसने जो है वो एरो लगाया हुआ है फाई आर जी इन है और ये उसने आपको आउट का बताया हुआ है कि फाई आर जी एट आर प्लस डेल्टा आर दैट इज द फ्लक्स ऑफ जेड मोमेंटम आउट एट आर प्लस डेल्टा आर. सो वो जो फाई जी जी जो था वो ऊपर से इन हो रहा था और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन से आउट हो रहा था. फाई आर जी जो है अलोंग आर डायरेक्शन होगा तो ये इधर से जो है ये इन हो रहा होगा इधर से इन हो रहा होगा और ये शेल के दूसरी तरफ से जो होगा वो आउट हो रहा होगा. सो दिस इज फाई आर जी एट पॉइंट आर इन जो होगा वो आर पे होगा और आउट जो होगा वो आर प्लस डेल्टा आर पे होगा क्योंकि डेल्टा आर जो है ये शेल की थिकनेस है.
ठीक हो गया बेटा। अब यही इसने यहां पर लिख दिया फाई आर जेड एट पॉइंट आर इन है, फाई आर जेड एट पॉइंट आर प्लस डेल्टा आर आउट है। इसके साथ इसने ये टू पाई आर एल, ये क्या चीज है? ये एरिया आ सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है टू पाई आर एल? अब आप थोड़ा सा सरफेस एरिया, हीट ट्रांसफर एरिया। अब ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि वो जो इनर सरफेस एरिया होता है ना एक पाइपलाइन का, जिस तरह आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो शैलन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एक अगर वो ट्यूब होती है तो उस ट्यूब का जो इनर सरफेस एरिया होता है दैट इज द सरफेस एरिया। अब यहां पर जो होगा वो, अब अच्छा ये बताएं कि वो वाला जो इनर सरफेस एरिया है वो कौन सी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? वेरी गुड। सो फाई आर जी का बेटा यही मतलब होता है ना, कि फाई आर जी का मतलब होता है कि जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अक्रॉस अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू आर डायरेक्शन। सो वो जो इनर सरफेस एरिया शेल का है, ये सारा जो इनर सरफेस एरिया शेल का है इसमें से ये ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है बेटा। और उसका जो फार्मूला होता है आपको पता है कि वो फार्मूला 2 पाई आर एल होता है। अच्छा अब तीसरा कंपोनेंट रह गया कि तीसरा कंपोनेंट जो है वो है फाई थीटा जेड। तो हम क्योंकि थीटा डायरेक्शन में चेंज को कंसीडर ही नहीं कर रहे तो हम इस कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज हम ये कंपोनेंट भी लिख सकते हैं लेकिन चीजें जो हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि क्योंकि वो फाई डायरेक्शन में, वो थीटा डायरेक्शन में जो है वो चीजें चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम फाई थीटा जी नहीं लिखेंगे जस्ट फॉर द sake of simplicity। अच्छा ये मोमेंटम के कंपोनेंट हो गए। और जी बेटा सर जो इसमें हम हमारे पास ए डेल्टा हार है वो सर सिर्फ मतलब ये जो है वो स्मॉल वाली थिकनेस है ना सर, यहाँ पे था वो उसने शेल ऑफ थिकनेस डेल्टा आर, या मतलब सर ये होल वाली है? हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ये थिकनेस ये जो मैंने भी ये थिकनेस ये नहीं है, ये जो मैंने भी लाइन लगाई है ठीक है, थिकनेस जो है ना वो ये वाली है, ये थिकनेस है डेल्टा आर, ठीक है दिस इज डेल्टा आर, यहाँ पर इस तरफ जो होगी वो ये डेल्टा आर होगा, ये डेल्टा आर होगा। अच्छा अब और कौन सी क्वांटिटी रह गई जी? अगर मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी अगर वो फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ ये फ्लो कर रहा है तो शेल के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हमने देखनी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा हम किस तरह लिखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगा W इक्वल टू एम जी, तो एम जी और यहाँ पर अब थीटा नहीं आएगा क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो थीटा डायरेक्शन नहीं आएगी, थीटा कोस थीटा या साइन थीटा तब आता है जब ये किसी एंगल पे टिल्ट हो जाए, तो क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल वर्टिकल है तो थीटा कोस थीटा जो होगा वो वन हो जाएगा। सो दिस इज जी एंड अब एम को किस तरह लिखना है, एम जी है ना बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वेट एम जी होता है, जी उसी तरह आ गया, मैस को हमने लिखा है बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी आ गई और ये जो है ना 2 पाई आर डेल्टा आर इंटू एल दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल, ये जो शेल है बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा 2 पाई आर, जब 2 पाई आर हम कहते हैं ना बेटा इट मींस कि हम सर्कमफेरेंस को कवर करते हैं एक डायमेंशन, 2 पाई आर मीन सर्कमफेरेंस, जिस तरह एक फुटबॉल या क्रिकेट की ग्राउंड होती है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है ठीक है उसकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है 2 पाई आर, तो एक डायमेंशन होगी 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, डेल्टा आर जो होगी इसकी दूसरी डायमेंशन होगी, सो 2 पाई आर डेल्टा आर, और वॉल्यूम बनाना है तो तीसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी डायमेंशन शेल की जो है वो क्या है वो एल है, सो 2 पाई आर डेल्टा आर इंटू एल ये इसका वॉल्यूम है बेटा शेल का, रो उसकी फ्लूइड की डेंसिटी होगी और जी, तो क्योंकि ये शेल हमने कहाँ कंसीडर किया हुआ है, ये शेल हमने इनसाइड द लिक्विड कंसीडर किया हुआ है, फर्ज करें अगर ये पाइप जो है ना पूरा जो है ना भरा हुआ है और लिक्विड नीचे फ्लो कर रहा है तो हमने एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी शेल उसके अंदर कंसीडर किया हुआ है ठीक है डेल्टा आर थिकनेस का, और उसके अंदर हमने जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम लगा के और उसकी ग्रेविटी की फोर्स जो है ना ये सारी हमने लिख ली है। ओके जी, और हमें ये भी पता है कि ये जो फाई होता है ये कंबाइंड मोमेंटम टर्म होती है, कंबाइंड मोमेंटम फ्लक्स होता है, फाई आर जेड एंड फाई जी जी आर द कंबाइंड मोमेंटम फ्लक्स ठीक है, जिसके अंदर कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शामिल होता है और कंडक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट ये भी इसके अंदर जो है वो शामिल होता है। अच्छा बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा पूछ लें डिस्कस कर लें।
जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया बेटा? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये जो आपने ओरिजिनल बॉडी है और ये जो हमारा शेल है सर, इनका सेंटर जो है आपस में ये कंसाइड कर रहा है सर, क्या ये जरूरी है कि ये हमेशा कंसाइड करे, या ऐसा भी हो सकता है कि हम यानी कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि हम सिलेंडर के अंदर ले सकते थे हम शेल? जी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड क्वेश्चन। कि अब ये जो हमने सेंटर कंसीडर किया हुआ है, ये सेंटर एक्सिस ऑफ द पाइप है और ये शेल जो है ये सेम सेंटर जो है वो शेयर कर रहा है जो पाइप का सेंटर है, तो इट इज बेटर कि इसको सेम रखा जाए, क्योंकि अगर हम इन दोनों के एक्सिस जो हैं वो कंसीडर कर लेंगे तो वो स्मूथनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। सो इट वुड बी नेसेसरी दैट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द शेल एंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पाइपलाइन शुड बी द सेम। बेसिकली ये शेल क्या चीज़ है, इस शेल की दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम क्या है कि ये बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे है, जेड इज इक्वल टू जीरो पे है, और सेकेंड इसकी एक्सट्रीम क्या है कि ये बिल्कुल वॉल के साथ, इन साइड वॉल के साथ लगा हुआ है, और इन साइड वॉल पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। एक है आर इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, जब आर इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आएगा तो ये बिल्कुल थिन शेल थिन बन जाएगा, जस्ट एक वो जो सुई होती है ए धागे जिसमें हम जो है ना घरों में होती है, तो जस्ट लाइक दैट नीडल, उस नीडल की तरह का बन जाएगा अगर आर इज इक्वल टू जीरो पे ये शेल आ जाए, तो इट मीन्स के जस्ट लाइक अ नीडल होगा, जस्ट लाइक अ पेंसिल होगा। और अगर आप इस शेल को फैलाते जाएं तो ये शेल पूरे पाइपलाइन को भी कवर कर सकता है, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी कि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इन बिटवीन जो है वो कहीं कंसीडर करना है हमने। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके सर। ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टू, हम अब ये जो हमने क्वांटिटीज लिखी है मोमेंटम इन आउट की, हमने ये मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन जो है वो बेसिक इक्वेशन आप लोगों ने, हमने ये आप लोगों ने पढ़ी है, तो इसके अंदर ये सारी क्वांटिटी जो है पुट कर देंगे। फाई आर जेड इन आउट वाली जो है, ये जो है फाई आर जेड एट आर, ये इन वाली हो गई। फाई आर जेड एट आर प्लस डेल्टा आर, टू पाई आर एल टू पाई आर एल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आउट वाली होगी। सिमिलरली फाई जेड जेड, ये जेड इज इक्वल टू जीरो वाली हो गई, और माइनस साइन लगा के ये आउट वाली होगी। इन आउट दोनों लिख दी बेटा। उसके बाद प्लस ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये हमने स्टडी स्टेट के लिए अप्लाई किया। अगर मैं कहूँ अनस्टडी स्टेट के लिए अप्लाई करें तो फिर आपको वो एक्यूमुलेशन ऑफ मोमेंटम की टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि हम इंक्लूड नहीं कर रहे, ताकि अभी स्टडी स्टेट सिस्टम को जाए वो कंसिडर कर। सो ये इक्वेजन आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है कि इस इक्वेजन को डिवाइड करना है थ्रू आउट टू पाई एल डेल्टा आर से। Divide this equation 2 pi L delta R and take the limit delta R approaches to 0 and we get this equation. जब हम इसको 2 pi L delta R से बेटा divide करेंगे तो यहाँ पर जो है ये left hand side पे हमारे पास, और delta R approaches to 0 लेंगे तो simple हमारे पास left hand side पे ये बच जाएगा, cancel out हो जाएंगी चीज़ें, और right hand side पे ये बच जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये जो है ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, लिमिट डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो आर फाई आर जी आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर फाई आर जी एट आर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है बेटा, ये डेरिवेटिव बन रहा है आर फाई आर जी का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो वो डेरिवेटिव की जो बेसिक डेफिनेशन है के एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, वो है आर फाई आर सी। तो ये इसका जो है वो बेटा डेरिवेटिव बन रहा था। पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमने बनाया है, टोटल डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखा जी, कौन इसका आंसर देगा? सर ए वेरिएबल है, ज्यादा है, डेल्टा आर भी है अभी, थीटा भी है, जेड भी है, तो इसलिए वो अभी पार्शियल डेरिवेटिव भी रखना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे यही रहेगा, फाइव जी 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 इज इक्वल टू जीरो माइनस फाइव जी जी एट जी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, क्योंकि टू पाई एल डेल्टा आर से डिवाइड किया ना, तो इधर एल बच जाएगा नीचे, उधर डेल्टा आर बच जाएगा, प्लस रो जी और
आर जो है इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो ए वेरी सिंपल मैथमेटिकल स्टेप बेटा हमने किया एंड वी गेट दिस। सर जी, सर सर जी, हमने जब पिछली डेरिवेशन की थी उसमें हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था, तो यहाँ सर जी हम जब 2 पाई आर एल डेल्टा आर से डिवाइड कर रहे हैं तो साथ आर से भी तो डिवाइड कर सकते थे, वो हमने क्यों नहीं दिया सर? वो आर से बेटा अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो आर आर से सारा कैंसिल हो जाएगा और आर थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। पहली बात ये है कि ये कोई रूल नहीं है कि हमने वॉल्यूम से ही डिवाइड करना, हम जो है ना वो मैथमेटिकली देखेंगे कि अप्रोप्रिएट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है जिससे हमने डिवाइड करना है। यूजुअली ये वॉल्यूम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि ये वॉल्यूम हो। यहाँ पर हमने 2 पाई एल डेल्टा आर से डिवाइड करना है, आर साथ नहीं करना, क्योंकि अगर हम आर साथ करेंगे बेटा तो क्या होगा कि अच्छा अब आर को डिवाइड करके भी नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो जो आपकी जो इक्वेशंस है वो मैथमेटिकली कम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आर अगर हम आर से भी डिवाइड कर देंगे तो इस इक्वेशन में ये आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये आर भी कैंसिल हो जाएगा तो वो सारा, क्योंकि अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आर है, चीज़ें जो हैं वो आर के लिहाज से चेंज हो रही हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली स्लाइड पे हमने लिखा है कि वी जेड एंड वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो जब आर से भी डिवाइड कर देंगे तो वो आर के लिहाज से जो होगा वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव इंटेंसिव में चला जाएगा। ठीक, इसलिए इसको आर से इधर डिवाइड नहीं करना, अदरवाइज मैथमेटिक्स जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो वी गेट दिस इक्वेजन। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? नेक्स्ट ये है कि हमने फाई आर जी और फाई जी जी को ओपन करके लिखना है। फाई आर जी जी आपने फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हमें पता है कि जी फाई आर जी जो है वो कंबाइंड मोमेंटम फ्लक्स है और इसके अंदर जो है वो शीयर का कंपोनेंट, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर और कन्वेक्टिव मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो ये आपको आना चाहिए और आपने पीछे लेक्चर जो अगर रिविजन किए हैं तो तब आपको अच्छी तरह समझ लगेगी। सो फाई आर जी मीन कि मेन जो फ्लो है वो जेड डायरेक्शन में है, इसलिए ये वी जेड इसने बेटा इधर लिखा है, और आर मीन के जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर है वो आर है, तो ये वी आर उसने लिखा है, तो रो वी आर इनटू वी जी, दिस इज द कन्वेक्टिव कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम फ्लक्स, और टॉ आर जी दिस इज द विस्कस कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम फ्लक्स। उसके बाद नेक्स्ट ये टॉ आर जी को बेटा ओपन करके लिखेंगे तो टॉ आर जी, अब इसका भी आपको पता है कि इसको भी लिखने का एक तरीका है, तो टॉ आर जी का मतलब है बेटा कि फ्लो जो है वो जी डायरेक्शन में, तो इट मींस कि ये वेलोसिटी जो होगी वो वी जी आएगी और चेंज जो हो रही है वो आर डायरेक्शन के लिहाज से हो रही है, इसलिए ये पार्शियल आर आ जाएगा, पार्शियल वी जेड और पार्शियल आर एंड माइनस म्यू पार्शियल वी जेड और पार्शियल आर, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और रो वी आर वी जी इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह फाइव जी जी को भी ओपन करेंगे, तो फाइव जी जी को भी ओपन करेंगे जब आप, तो पहला तो कंपोनेंट आओगे इसके अंदर टॉ जी जी के मेन जो फ्लो है जेड डायरेक्शन में और ट्रांसफर भी जेड डायरेक्शन में है, और इसका जो कन्वेक्टिव कंपोनेंट होगा बेटा वो हो जाएगा रो वी जेड इंटू वी जेड के मेन फ्लो भी जेड डायरेक्शन में है, ट्रांसफर भी जेड डायरेक्शन में है, और आपको पता है कि जब फाइव जी जी आता है तो तब प्रेशर भी साथ आता है, इस कंपोनेंट के अंदर प्रेशर भी जो है वो साथ आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको ओपन करेंगे टॉ जी जी को अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो ये आ जाएगा पी माइनस टू टाइम्स म्यू पार्ट। अब टॉ जी जी का क्या मतलब है कि जो मेन वेलोसिटी है वो भी जेड डायरेक्शन की है और जो चेंज हो रहा है वो भी जेड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस चीज को बेटा मैथमेटिकली हम लिखेंगे पार्शियल वी जेड और पार्शियल जेड प्लस रो वी जेड इंटू वी जेड, उसी तरह आ जाएगा। अब यहां पर जो है ये माइनस टू साथ क्यों आ गया? सर हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर था, जब हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो टू पहले आ गया। गुड, मे बी दिस मे बी द रीजन, अभी अभी एनी हाउ मुझे भी अभी इसका इतना क्लियर नहीं है कि ये टू यहां पर क्यों आ जाए। ओके जी, अच्छा जी, अगर हम इनको सिंपलीफाई करें तो शाबाश मुझे बताएं, सबसे पहले फाई आर जी को देखते हैं कि फाई आर जी में ये दो टर्म्स है बेटा, इनमें बताएं कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी? कन्वेक्टिव वाली, सेकंड टर्म कन्वेक्टिव वाली जीरो हो जाएगी, उसके अंदर आ रहा है वी आर, और हमने बेटा ज्यूम किया हुआ है कि वी आर यानी वेलोसिटी इन आर डायरेक्शन, आर डायरेक्शन में बेटा कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है कि जो पाइप की सरफेस को फाड़ के तो वो आर डायरेक्शन में कोई फ्लो हो रहा है, नाउ वी आर इज जीरो, ठीक है, सो ये टर्म बेटा जीरो हो जाएगी।
अच्छा ये पार्शियल वी जेड और पार्शियल आर चेंज इन जेड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर ये जीरो होगी कि नहीं होगी? नो सर। क्या जेड वेलोसिटी आर डायरेक्शन में चेंज हो रही है? जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। कौन कहता है कि नहीं हो रही? जवाद कासिम, जवाद कासिम, लियाकत साहब, जी बेटा, जी सर हो रही है। वीज कौन सी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रही है? बेटा माइक ओपन करो, इतनी जल्दी यार चले जाते हो। जी बताएं लियाकत, कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? जी मरियम इकराम आप बताएं। जी अबू बकर मेहर, अबू बकर आप बताएं। सर जेड कंपोनेंट आर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। वेरी गुड बेटा, दैट्स ग्रेट, गुड। सो जेड कंपोनेंट वेलोसिटी का आर डायरेक्शन में जो है वो चेंज हो रहा है। सो ये चीज हो गई, तो इट मींस कि ये वाली जो है ये जीरो हो जाएगा। और बेटा ये पार्शियल वी जेड और पार्शियल आर टर्म, अच्छा फाइव जी जी पे आ जाए, फाइव जी जी में आ जाते हैं। इसके अंदर भी तीन तीन जो है इसके अंदर भी टर्म्स हैं बेटा। चले पहली बात हम ये करते हैं, ये वाली जो डेरिवेटिव वाली टर्म है कि टू म्यू पार्शियल वी जेड और पार्शियल जेड, ये टर्म बेटा जीरो, ये टर्म बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी? ये टर्म हमें बता रही है कि चेंज इन जेड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन, हमने ज्यूम किया हुआ है फुली डेवलप्ड फ्लो। फुली डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है कि जेड वेलोसिटी जेड डायरेक्शन के अंदर चेंज नहीं हो रही। मीन्स कि अगर एक बंदा जो है वो जेड डायरेक्शन में फ्लो के साथ साथ मूव करना शुरू करे तो जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इट मींस उसका डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये बेटा जीरो हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताएं ये रो वी जी इंटू वी जी ये जीरो है? नो सर ये जीरो नहीं है, क्योंकि डेंसिटी जाहिर है डेंसिटी जीरो नहीं है और वी जी भी जीरो नहीं है, लेकिन ये कैंसल आउट हो जाएंगी। किस तरह कैंसिल आउट होंगी? देखें ये 5zz जो है दो दफा है ना, एक हमने वैल्यूएट करना है zz इज इक्वल टू 0 के ऊपर और एक दफा वैल्यूएट करना है z इज इक्वल टू l के ऊपर, ठीक है? तो इट मींस कि ये रो vzz जो है दो दफा आएगा, एक दफा z इज इक्वल टू 0 के ऊपर और एक दफा z इज इक्वल टू l के ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या vz एट z इज इक्वल टू 0, vz एट z इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टर्म वी जी एट जी इज इक्वल टू एल, वी जी इवेल्यूएटेड एट जी इज इक्वल टू एल, यही हो जाएगा ना? जब इस टर्म को जो है फाइव सी जी की टर्म जो है जब दो दफा आ जाएगी तो एक दफा जी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर वैल्यूएट करनी है, एक दफा जी इज इक्वल टू एल के ऊपर वैल्यूएट करनी है, दरमियान में नेगेटिव साइन है। अब ये वी जी जी जो है दोनों में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये सेम क्वान्टिटी है ना, क्योंकि अलोंग द जेड डायरेक्शन वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो सेम है। इट मींस के जो इन जो पाइप के इनलेट पे वेलोसिटी है वही आउटलेट पे वेलोसिटी है। सो ये जो टर्म है रो वी जी इंटू वी जी ये बेटा दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये जीरो नहीं है लेकिन ये नेगेटिव साइन की वजह से प्लस नेगेटिव की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है बेटा प्रेशर पी, तो ये प्रेशर जो है ये 5zz के अंदर जब इसको 5zz इक्वल टू 0 के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p नोड, ठीक है? फिर आएगा माइनस साइन और फिर आएगा p l, ठीक हो गया ना बेटा? ये z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, z इज इक्वल टू l के ऊपर। अब बताएं मुझे कि क्या ये टर्म p नोड माइनस p l, p नोड इज द प्रेशर एट द एंट्रेंस एंड p l इज द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द पाइपलाइन, क्या ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी? प्रेशर सेम है? नो सर। नो सर नो, सेम नहीं है क्योंकि हमने प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है। अगर हम चाहते तो हम इस केस में ना करते क्योंकि फ्लो डाउनवर्ड है, लेकिन हमने अज्यूम किया हुआ है कि प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमने अज्यूम किया हुआ है कि प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है
तो इट मींस कि हम इन दोनों प्रेशर्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली बेटा ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी ये। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को बेटा टोटल डेरिवेटिव में लिख देंगे, डी और डी आर आर टॉ आर जी इज इक्वल टू पी नोट माइनस रो जी जीरो माइनस पी एल रो जी एल होल डिवाइडेड बाय एल इनटू एल, ये टर्म आ जाएगी। इसके अंदर ये वाली जो टर्म है ना बेटा, ये रो जी जीरो ये खुद इंट्रोड्यूस की है। पहली बात तो ये है कि ये इक्वेजन आई कैसे है, ये इक्वेजन आई है बेटा पीछे, ये जो इक्वेजन है जो मोमेंटम बैलेंस के बाद जो इक्वेजन आई है, इस इक्वेजन के अंदर जो फाइव जी जी को जब ओपन करेंगे और उसके अंदर जो टर्म कैंसिल होंगी उनको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगी। उसके बाद बेटा पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव में खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि अब थीटा डायरेक्शन भी खत्म हो गई है, जेड डायरेक्शन भी खत्म हो गई है, एंड ओनली एग्जिस्ट द आर डायरेक्शन। तो मीन सिंगल डायरेक्शन अब आ गई, सिंगल वेरिएबल आ गया, तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है बेटा वो टोटल डेरिवेटिव जो है वो बन गया। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी कुछ रीअरेंजमेंट जी बेटा, तो आपने ये लिखा हुआ ना रो जी सर नोट सर, ये बता दें जरा फिर से दो। जी बेटा मैं यही बताने लगा कि ये बेटा इसलिए आई है कि अब हमने इसको जो है ना वो ये खुद इंट्रोड्यूस करवाई है। क्यों इंट्रोड्यूस करवाई है? बेसिकली पी नोट अब यहां पर जो बन रहा था पी एल माइनस रो जी एल, प्रेशर माइनस ग्रेविटी, पी एल इज द प्रेशर रो जी एल इज द ग्रेविटी, तो ये प्रेशर माइनस ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये रो जी नोड बेसिकली ये जीरो है, रो जी जीरो है ना, तो जीरो हम खुद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये ग्रेविटी हमने ज्यूम करवाई है, तो बेसिकली ये भी डिफरेंस बन जाएगा प्रेशर माइनस ग्रेविटी का। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि हम प्रेशर और ग्रेविटी को मिला के लिखना चाहते हैं। सो ये पी नोड माइनस रो जी जीरो ये हो जाएगा, ये जो उसने मॉडिफाइड पी नोड लिखा हुआ है इटैलिक में पी नोड लिखा हुआ है, और ये जो पी एल माइनस रो जी एल है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी एल मोड। इसको हम अब ये जो पी नोड माइनस पी एल क्या चीज है, ये वाले पी नोड माइनस पी एल जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड प्रेशर, प्रेशर सम ऑफ द प्रेशर एंड ग्रेविटी, ठीक है। सो इस इक्वेशन में हमने बेटा क्या किया है कि हमने प्रेशर और ग्रेविटी को कंबाइन एक टर्म दे दिया। अब ये जो मॉडिफाइड पी नोड है जो कि टैलिक सा इस तरह करके लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पी नोट, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन प्रेशर एंड ग्रेविटी, प्रेशर और ग्रेविटी को कंबाइन करके हमने ये टर्म हमने लिखी है, ठीक है बेटा, क्लियर है जी सर। तो इसको कुछ कोई भी सिंबल दे सकते थे हम, तो उन्होंने जो इटैलिक सिंबल होता है बुक वालों ने इसको कहते हैं मॉडिफाइड प्रेशर। ये जो पी नोड है ये खाली प्रेशर है, और ये जो इटैलिक पी नोड है इसी द मॉडिफाइड प्रेशर, और ये मॉडिफाइड प्रेशर की डेफिनेशन इसकी मैथमेटिकली क्या है कि ये पी नोड माइनस रो जी नोड के प्रेशर माइनस ग्रेविटी इसके अंदर जो है वो शामिल है। सो रो जी एल का मतलब है ग्रेविटी एट पॉइंट एल, जेड इज इक्वल टू एल, और रो जी जीरो का मतलब है ग्रेविटी एट रो जी जीरो। तो ये एक रेफरेंस के तौर पर जो है इसको इस तरह लिखे, वेयर पी नोड इज इक्वल टू पी माइनस रो जी जेड। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है आ गई। अब इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बेटा वही स्टेप्स वही है बेटा जो पिछले थे, कि अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे ताकि टॉ आर जेड आ जाए, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट से करेंगे बेटा, आर के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एक ही है आर डायरेक्शन। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टॉ आर जी, ठीक है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। जब आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बनेगा बेटा तो यहां पर भी एक आर है, तो वो आर इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो सिंगल आर बच जाएगा, प्लस वो जो सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था उसके नीचे भी आर अपीयर हो जाएगा, सी वन बाय आर आ जाएगा। तो ये बेटा सिंपल इंटीग्रेशन की है, वी गेट टॉ आर जी इज इक्वल टू मॉडिफाइड प्रेशर पी नोट माइनस मॉडिफाइड प्रेशर पी एल होल डिवाइडेड बाई टू एल इंटू आर प्लस सी वन इंटू आर, सी वन डिवाइडेड बाई आर। अब ये सी वन की वैल्यू बेटा किस तरह वैल्यू निकालनी है, सर
बाउंड्री कंडीशन पुट करके सर यस बाउंड्री कंडीशंस पुट कर रहे हैं सो वी विल पुट द बाउंड्री कंडीशन सो बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट इज एट r इज इक्वल टू 0 ta rz इज फाइनाइट सो c1 मस्ट बी 0 ये किस तरह बेटा आया इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इक्वेशन जो है जो टा आर जी की इक्वेशन है ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर इस इक्वेशन में मैं आर इज इक्वल टू जीरो पुट करूं तो ये टा आर जी जो है वो इनफाइनाइट शूट हो जाएगा क्योंकि ये आर जो है बेटा डिनोमिनेटर में है ना नीचे है तो कोई चीज जब जीरो से डिवाइड होती है तो इन्फिनिटी हो जाती है तो अगर मैं इसमें आर इज इक्वल टू जीरो पुट करूं तो स्ट्रेस जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है अब अगर आप उस पाइपलाइन में देखें वो जो पाइपलाइन है ऑब्वियसली ये मैं ड्रा कर रहा हूँ और ऑब्वियसली जो है वो पाइपलाइन ये एक एंगल पे नहीं है अब यहाँ पर ये जो है ये इसका सेंट्रल एक्सिस है और ये आर डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है अब अगर मैं कहता हूँ आर इज इक्वल टू जीरो तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है बिल्कुल पाइपलाइन के सेंटर ठीक हो गया बेटा R इज इक्वल टू जीरो मैं कहता हूं तो ऑब्जर्वर जो है कहां पर है बिल्कुल पाइपलाइन के सेंटर में ये बात क्लियर होगी बेटा और अगर मैं कहता हूं R इज इक्वल टू कैपिटल R तो ऑब्जर्वर जो है कहां पे है बाउंड्री पे यस तो तब वो सॉलिड वॉल पे होगा इनर पाइप ऑफ द सरफेस इनर पाइप इनर सरफेस ऑफ द पाइपलाइन पे होगा ठीक है सो आर इज इक्वल टू जीरो कहता हूं इट मींस के सेंट्रल एक्सिस पे और सेंट्रल एक्सिस पे जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम शियर क्या होगा इनफाइनाइट होगा मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि क्या सेंट्रल एक्सिस पे जहां पर आर इज इक्वल टू जीरो है क्या वहां पर शियर स्ट्रेस इनफाइनाइट होता है सर मिनिमम नहीं होगा नहीं सर यस वो सर मिनिमम होगा बल्कि मिनिमम होगा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ सलाम जी बेटा जी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे हाँ मैं पूछ रहा था कि जो है वो सेंटर ऑफ द पाइपलाइन पे जो है वो इनफाइनाइट नहीं होता शियर ठीक है लेकिन ये इक्वेशन के अंदर अगर हम आर जीरो पर करें तो वो जो है वो उसको इनफाइनाइट बना रही है इट मींस कि ये रियलिटी के अगेंस्ट है
इट मींस कि ये जो सी वन है दिस मस्ट बी जीरो, इट मींस कि ये वाली जो टर्म है सी वन आर, ये टर्म जो है वो रियलिटी के अगेंस्ट जो है वो रिजल्ट दे रही है, इट मींस कि सी वन मस्ट बी जीरो। ठीक है, जब सी वन मस्ट बी जीरो तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फाइनल टॉ आर जी इज इक्वल टू मॉडिफाइड प्रेशर पी नोट माइनस पी एल डिवाइडेड बाई टू एल इन टू आर। ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है बेटा, शीयर स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ आर दे रही है। ये पी नोड भी कांस्टेंट है बेटा, पी एल भी कांस्टेंट है और लेंथ एल भी कांस्टेंट है। सो दिस इक्वेशन इज गिविंग यू द शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, और शीयर स्ट्रेस को हम मोमेंटम फ्लक्स भी कहते हैं। आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है अपनी कापियों पे कि शीयर स्ट्रेस जो होता है बेसिकली मोमेंटम फ्लक्स होता है। तो ये इक्वेशन जो है बेसिकली आपको मोमेंटम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन या शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दे रही है। इस इक्वेशन ने मुझे देख के बताएं कि मैक्सिमम जो है इस इक्वेशन के मुताबिक मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कहां पर होगा, पाइप के अंदर, पाइपलाइन के अंदर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस जो होगा वो कहां पर होगा? नियर द वॉल सरफेस सर। यस, क्योंकि आप देख रहे हैं, यस सॉलिड सरफेस के ऊपर, वेरी गुड, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि टा आर जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर मींस कि अगर एक बंदा बिल्कुल पाइपलाइन के सेंट्रल एक्सिस के ऊपर खड़ा है और वो सेंट्रल एक्सिस से इमेजिन करें, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको इमेजिन करें कि अगर वो बंदा पाइपलाइन के सेंट्रल एक्सिस पे खड़ा है और वो सेंट्रल एक्सिस से जो है पाइपलाइन की दीवारों की तरफ मूव करना शुरू करता है तो क्या होगा कि शीयर जो उसको लग रहा है, जो फोर्स उसको लग रही है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली जब वो वॉल के ऊपर पहुंचेगा तो उसको मैक्सिमम शीयर लग रहा होगा, मैक्सिमम मोमेंटम उसके ऊपर लग रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स उसको लग रही होगी। और ये भी बताएं कि मिनिमम शीयर कहां पर होगा बेटा? रेडियस जीरो होगा। यस, आर इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो मीन के जहां बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के ऊपर पाइप के, वहां पर जो होगा वो शीयर जीरो होगा। तो वहां पर फ्लूइड की, अगर शीयर जीरो है तो वहां पर फ्लूइड की एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? काइनेटिक एनर्जी से। यस, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में, वेलोसिटी की शक्ल में। वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो जहां पर शीयर जीरो है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, और सॉलिड वॉल्स के ऊपर जहां पर शीयर मैक्सिमम चला गया है वहां वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है। बेसिकली वो वेलोसिटी ही शीयर फोर्स में कन्वर्ट हुई है। अच्छा बेटा, हम 5 मिनट की ब्रेक कर लें फिर। जी सर, जरूर। जस्ट 5 मिनट बेटा, ठीक है? 5 मिनट की ब्रेक है, काइंडली आप लोग इधर ही रहिएगा। जस्ट 5 मिनट के बाद जो है मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह सर।
ओके बेटा जी, लेट्स स्टार्ट। जी बेटा जी, करें स्टार्ट जी। उमर अमीन साहब, आप तशरीफ ले आए हैं। जी सर, करें सर। आप लेट क्यों हैं यार? लेट आए थे, मैंने पूछा था, आपका थे नहीं आप। नहीं नहीं सर, मैं इधर ही था सर, आपने पूछा। आज का लेक्चर समय लग रहा है, ठीक जा रहा है? जी जी सर, बिल्कुल। तो सर, पीछे से मिला जुलता लेक्चर है ना, जो वो पीछे आपने करवाया था, लास्ट लेक्चर से मिलता नहीं था। हाँ जी, तो सिस्टम चेंज है, ऑब्जेक्टिव वही है और सिस्टम चेंज है। और ये जो है सिस्टम पहले वाले की निस्बत थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे और सिंपल फ्लो था, प्रेशर डिफरेंस कंसीडर नहीं किया था। अब थोड़ा सा ये इस बुक का यही स्टाइल है कि जैसे जैसे वो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो केसेस थोड़े से कम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो इस पहले की निस्बत इस केस में जब आए तो एक तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डील कर रहे हैं और अब प्रेशर डिफरेंस को भी हमने कंसीडर कर लिया है। तो मकसद जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि थोड़ी सी आपने थिंकिंग अपने अंदर प्रोड्यूस जो है ना वो करनी है, ज़रा सोचना है कि अगर एक पाइपलाइन के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसका एनालिसिस हम अब ये हम कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, और ये सबसे सिंपलेस्ट एनालिसिस जो पॉसिबल हो सकता है केमिकल इंजीनियरिंग में वो कर रहे हैं। अभी हमने स्टेडी स्टेट कंसीडर किया हुआ है, हमने लैमिनार फ्लो को लिया हुआ है, टर्बुलेंस कंसीडर नहीं किया, हमने न्यूटोनियन फ्लो को लिया हुआ है, हमने इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम सारे पैरामीटर को कांस्टेंट रख के तो एक सिंपल एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सिंपल एनालिसिस में भी कम्प्लेक्स जो है मैथमेटिक्स अपीयर हो रहा है। सो हम ये कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के मोमेंटम ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पाइप फ्लो को एनालाइज करें कि इसकी, और उसका मकसद क्या होता है कि हम जब मोमेंटम बैलेंस करते हैं तो हम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। मोमेंटम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? शीयर स्ट्रेस को ही मोमेंटम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम है, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है। तो ये जब हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो टास्क वो ये होता है कि अब हम मोमेंटम फ्लक्स को यानी शीयर स्ट्रेस को कन्वर्ट करें वेलोसिटी में। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम शीयर स्ट्रेस को जो है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के टॉ आर जी इज इक्वल टू माइनस म्यू डी बी जेड ओवर डी आर। तो अगर इस टॉ आर जी को मैं टॉ जी आर कर दूंगा तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब इसके अंदर क्या चेंजिंग आ जानी है, तब डी बी आर ओवर टी सी हो जाएगा। तो क्योंकि ये आपका सी फोर लेवल का सब्जेक्ट है, कॉग्निटिव लेवल इसका हाई है, तो ऑब्वियसली चीज़ें जो होंगी वो पेपर के अंदर क्विजिस के अंदर वही कर सकेगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सिर्फ खाली करके रट्टा लगा के या मैं इसको बुक से पढ़ के रट्टा लगा के इसको कर लूँगा तो नहीं, जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, फिर उसने स्टडी नहीं किया होगा, लेक्चर सुना होगा, फिर वो कर सकेगा। सो टॉ आर जी मीन के जेड जो है मेन फ्लो है, आर डायरेक्शन में चेंज हो रही। अब इक्वेशन के अंदर ये सिंपली टॉ आर जी की जगह ना माइनस म्यू डी बी जेड आवर डी आर लगा देना इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास बन जाएगा डी बी जेड आवर डी आर, ये म्यू जो होगा नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आर के लिए आर से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस सी टू, यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बेटा बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लगानी है कि एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जब मैं कहता हूँ एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तो अभी बेटा आपको समझाया, इट मीन्स कि आप सॉलिड वॉल के ऊपर है। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मीन कि आप सॉलिड वॉल के ऊपर है, वहां पर वेलोसिटी जीरो है। ये बाउंड्री कंडीशन इजी टू अंडरस्टैंड है कि एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मीन के इनर सरफेस ऑफ द सॉलिड वॉल द वेलोसिटी इज जीरो। तो यहां पर वी जीरो पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे तो आपके पास सी टू की वैल्यू आ जाएगी। उस सी टू की वैल्यू को दोबारा आप ये वी जेड में पुट कर देंगे एंड देन फाइनली यू गेट वी जेड इज इक्वल टू मॉडिफाइड प्रेशर पी नोट माइनस मॉडिफाइड प्रेशर पी एल डिवाइडेड बाई फोर म्यू एल इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस आर आवर कैपिटल आर स्क्वेयर। अब आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल ये पी नोड माइनस पी एल भी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर भी कॉन्स्टेंट है। कैपिटल आर क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ द पाइप, और ये भी कॉन्स्टेंट है। म्यू डेंसिटी उसकी विस्कॉसिटी भी कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ द पाइप भी कॉन्स्टेंट है, द ओनली वेरिएबल इज द स्मॉल आर। सो ये इक्वेशन जो है बेटा लीनियर है या पैराबोला है?
और आपको पता है पहले से कि एक पाइपलाइन के अंदर जो फ्लो हो रहा होता है तो वो फ्लो जो होता है वो पैराबोलिक वेलोसिटी पर, तो ये इक्वेशन हमें वेलोसिटी प्रोफाइल दे रही है, वेलोसिटी प्रोफाइल कह लें, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी चेंज कह लें, माइक्रोस्कोपिक वेलोसिटी एनालिसिस कह लें, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है। सो मीन्स कि अगर हम ये स्ट्रेस ड्रा करें, अगर हम प्रोफाइल ड्रा करें शीयर स्ट्रेस का और वेलोसिटी का, तो सबसे पहले ये इसकी वॉल्स आप पाइप हैं साइडों के ऊपर, ठीक है बेटा, ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर जो है वो जी भी जीरो है, आर भी जीरो है, इस डायरेक्शन में जी भी इंक्रीज होना शुरू होगा और इस दूसरी डायरेक्शन में आर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो वी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की लाइन वी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर है, और मिनिमम वेलोसिटी जो है वो कहां पर है, वो वी जेड जो है वो जेड इज इक्वल टू आर के ऊपर है, सरफेस ऑफ द पाइपलाइन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो वेलोसिटी जीरो है, सो वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगा पैराबोला बनेगा। ये जो सेकंड है बेटा, ये उसने बनाया हुआ है जी शीयर स्ट्रेस प्रोफाइल, ये रेफरेंस लाइन एक ड्रॉ की है, ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है, तो शीयर स्ट्रेस जो होगा वो दरमियान में जो है वो जीरो है, शीयर स्ट्रेस जो है वो दरमियान में जो है वो जीरो है, तो जैसे जैसे बाहर की तरफ मूव करेंगे तो शीयर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा, और वॉल के ऊपर सरफेस के ऊपर जो है वो शीयर स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। सो ये स्ट्रेस प्रोफाइल है, और ये देखें कि ये प्रोफाइल जो है वो लीनियर प्रोफाइल है, और वेलोसिटी की प्रोफाइल जो है वो पैराबोलिक जो है वो प्रोफाइल है, ठीक हो गया बेटा जी। इस चीज की यहां पर कोई क्वेश्चन किसी ने बेटा पूछना है तो यहां पूछ लें। कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछ ले। नो सर, ओके बेटा, ये हमने जो अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड द वेलोसिटी प्रोफाइल एंड शीयर स्ट्रेस प्रोफाइल, हमने उसको वो अचीव कर लिया। नेक्स्ट जो होगा वो वही होगा कि अगर हमने देखना है जी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर है, सो मैक्सिमम वेलोसिटी है जी आर इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट आर इज इक्वल टू जीरो, तो उस वेलोसिटी वाली इक्वेशन के अंदर आर इज इक्वल टू जीरो पुट करें बेटा, तो यू विल गेट द वी जेड मैक्स, तो वी जेड मैक्स की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकालनी है बेटा, वो भी अप्रोच जो है वो सेम है जो पिछले केस में थी, कि वी जेड को अब हमने इंटीग्रेट करना है अक्रॉस एरिया, जब वी जेड को बेटा इंटीग्रेट करेंगे अक्रॉस एरिया तो हमें मिल जाएगा फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को जब दोबारा इंटीग्रेटेड एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया अगेन हमें वेलोसिटी मिलती है, लेकिन ये जो वेलोसिटी होगी दिस वुड बी द एवरेज वेलोसिटी। अब आपने ये देखना है कि वेलोसिटी को कौन, एक पाइपलाइन का जो फ्लो होता है तो जो फ्लो एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है या क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एक पाइपलाइन के अंदर जो फ्लो एरिया होता है वो सरफेस एरिया होता है या क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा वेरी गुड, ये हो गया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो मुझे बताएं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कौन से दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं, आर थीटा और जी में से कौन से दो कोऑर्डिनेट क्रॉस सेक्शनल एरिया में इन्वॉल्व होते हैं, आर थीटा एंड जी। क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर कौन से दो वेरिएबल, कौन से दो डायमेंशन इन्वॉल्व है? जी नहीं होगा बेटा, क्योंकि जी तो वो लेंथ आ गई ना, तो जी लेंथ वाइज है, तो वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना बेटा, हाँ आर और थीटा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर एक पाइपलाइन का आप देखें जस्ट लाइक दिस, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जो एरिया है तो इसके अंदर थीटा और आर डायरेक्शन इन्वॉल्व होंगे। इट मीन्स कि आपने इसको आर डी डी आर और डी थीटा के लिहाज से करना है, लेकिन सर्टिकल कोऑर्डिनेट में याद रखें कि आर डी आर कंबाइन आते हैं, ठीक है। हमने आर डी आर और डी थीटा के लिहाज से जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा डी थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, 0 to 2 pi, कंप्लीट जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है ना बेटा, तो 2 pi इसकी लिमिट होंगी। और जो आर है, आर की लिमिट क्या होंगी, मिनिमम लिमिट है आर इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम लिमिट है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। सो आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक जो होंगी वो उसकी आर की लिमिट होंगी, और थीटा की जो लिमिट्स होंगी वो 0 to 2 pi, कंप्लीट जो बनता है सर्कुलर एंगुलर वो 2 pi का बनता है। इसी तरह नीचे भी जो होगा एरिया क्या होगा, आर इंटू डी आर और डी थीटा को इंटीग्रेट करना, ठीक है। अगर आप बेटा इसको अभी आप हर बच्चा आप में से अपनी कॉपी पेंसिल पे एरिया को इंटीग्रेट करे और मुझे बताइए क्या वैल्यू आती है, शाबाश एवरी वन ऑफ यू, आर डी आर इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट करें और बताएं कि फाइनल क्या आता है। मींस कि आर डी थीटा है ना, तो सबसे पहले आर आर को करना है, आर को थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करें, फिर जो आता है उसको आर के लिहाज से इंटीग्रेट करें, लिमिट सप्लाई करें, शाबाश एवरी वन ऑफ यू करें और मुझे फाइनल आंसर बताएं। शाबाश अली रजा, आपने मुझे बताना है, सब करें शाबाश। पूछता हूं किसे पूछूं, मोहित खालिद, उमर रजाक, जी उस्मान शाहिद, यस सर, जी उमर रजाक आपने किया बेटा, क्या आई है, क्या आया वैल्यू एरिया, इंटीग्रेटेड एरिया सर अभी सिर्फ आर डी आर किया तो 2 pi स्क्वायर आया, वेरी गुड, 2 pi पाई के साथ तो स्क्वायर नहीं आएगा ना, सॉरी सर, ठीक है सर, जी वकास, सो आप इसको करके देखेंगे तो यू विल गेट के पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर कैपिटल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आता है, ठीक। इसी तरह वेलोसिटी वी जेड का जो रिलेशन है उसको भी आर के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपने डी आर और डी थीटा के लिहाज से, इसको डी थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे ना तो सिंपली 2 pi आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो वो सारा एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट है, तो उसको फिर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 pi आ जाएगा, फिर आर के लिहाज से इंटीग्रेट करें देन, तो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपने निकाला। उसके बाद मैस फ्लो रेट, मैस फ्लो रेट बेटा किस तरह निकालना है, मैस फ्लो रेट आप किस तरह निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास फ्लो रेट आता है, अगर वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो मास फ्लो रेट आता है। तो आप अब वॉल्यूम फ्लो रेट किस तरह आता है, वॉल्यूम फ्लो रेट आता है जी के वेलोसिटी इंटू एरिया, वेलोसिटी इंटू एरिया, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू एरिया, एवरेज वेलोसिटी इंटू एरिया जो होगा बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा, और वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी मास फ्लो रेट हो जाएगा। इस इक्वेजन को जो होता है फ्लूड मैकेनिक्स में कहते हैं हैजन पॉइसी इक्वेजन,
हैजन पॉइसी यू इक्वेजन, ये बड़ी फेमस इक्वेजन है कि W इज इक्वल टू, W क्या चीज़ है, मैस फ्लो रेट, W इज इक्वल टू पाई इनटू मॉडिफाइड प्रेशर पी नोड माइनस मॉडिफाइड प्रेशर पी एल मल्टीप्लाइड बाय आर इज पावर फोर रो एट म्यू एल, दिस इज कॉल्ड हैजन पॉइसी यू इक्वेजन, डबल एल जो है इसमें साइलेंट है, तो मैस फ्लो रेट आपने निकालना है। एंड फाइनली द जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, बेटा जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जैसे लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि एक पाइपलाइन में लिक्विड अगर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो करते हुए दीवारों के ऊपर जो है पाइप की वॉल्स के ऊपर जो है फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, वो फोर्स शियर फोर्स होती है, उसको हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज द जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे शियर स्ट्रेस से, शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है, अब ये इसने लिखा है माइनस म्यू डी वी जेड आवर डी आर evaluated at r is equal to, ये shear stress है, आपने simple tau rz, जो tau rz का relation है बेटा उसको लिखना है और उसके अंदर जो small r है उसकी जगह capital R लगा देना है, क्यों, क्योंकि हमने tau rz को evaluate करना है surface के ऊपर at r is equal to capital R के ऊपर, ठीक है। So वो जो tau rz का relation आया था, अगर आप पीछे देखें टा आर जी का ये जो रिलेशन आपके पास आया, ये इस टा आर जी के रिलेशन में आर इक्वल टू कैपिटल आर कर दें तो इट मींस कि आप शीयर स्ट्रेस को देख रहे हैं सरफेस ऑफ द पाइपलाइन, तो शीयर स्ट्रेस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास शीयर फोर्स आ जाएगी, एरियास, यस। अब यहाँ पे कौन सा एरिया आना है, फ्लो एरिया आना है या सरफेस एरिया आना है, सरफेस एरिया आएगा, अब ये याद रखें कि जब वेलोसिटी की बात की, फ्लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की बात की तो वहां पर बेटा फ्लो एरिया आया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आया, और जब हमने शियर फोर्स की बात करनी है तो मींस कि लिक्विड फ्लो करते हुए वो पूरी जो इनर वॉल है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसको आप हीट ट्रांसफर एरिया कहते हैं, उसके ऊपर वो शियर फोर्स लगा रहा है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एल, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 पाई आर एल से, तो उसके बाद पी नोड आएगा तो पी नोड को ओपन करना है, मॉडिफाइड प्रेशर जो पी नोड था उसको ओपन कर लेना, ठीक है, एंड देन फाइनली यू गेट दिस, सो दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ड्यू टू द फ्लो इन द जेड डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइपलाइन। तो ये शियर स्ट्रेस की फोर्स कैलकुलेट करना, जिस तरह हम देखें कि हमारी जो ब्लड की लाइंस हैं, जो वीन्स हैं हमारी बॉडी की, उसके अंदर भी लिक्विड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो लिक्विड भी फ्लो करते हुए हमारी वेन्स के ऊपर जो है बेटा शियर फोर्स लगा रहा होगा, तो अल्लाह ताला ने जो है वो फ्लो रेट ब्लड का, ब्लड की डेंसिटी विस्कोसिटी, ब्लड का जो प्रेशर डिफरेंस है वो इतना रखा हुआ है कि वो इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाता ब्लड के वेन्स जो है उनका वो फट जाए और वेन्स जो है वो उनका जो है वो रप्चर हो जाए, तो ये अल्लाह ताला की कारीगरी है। और सम टाइम जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो आप अक्सर सुनते होंगे जी वो नस फट गई, दिमाग की वेन फट गई, या ये अल्लाह ना करे ये हो गया। सो नॉर्मली अल्लाह ताला ने जो दिल बनाया, दिल जो है पंप की तरह एक्ट करता है, तो अल्लाह ताला ने ये सारे इंजीनियरिंग, पूरी बॉडी जो है वो हमारी एक इंजीनियरिंग है, अल्लाह इज द बेस्ट इंजीनियर, अल्लाह ताला जो है जो क्रिएटर है हमारा, दैट इज द बेस्ट इंजीनियर। सो आप देखें कि पूरी की पूरी इंजीनियरिंग जो है उस बॉडी में हमारी इन्वॉल्व है। तो जिस तरह एक पाइपलाइन के अंदर जब फ्लो हो रहा होता है तो हमने शियर फोर्स देखनी होती है कि लिक्विड फ्लो करते हुए कितनी फोर्स लगा रहा है, कहीं वो पाइपलाइन को रप्चर तो नहीं कर देगा, सो दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड। सो ये सारे पैरामीटर जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी देखनी है बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मैस फ्लो रेट लिक्विड का निकाल लेना है, लिक्विड की फोर्स जो है वो निकाल लेनी है। तो इसके साथ जो है वो ये जी बेटा, क्योंकि वो हमने निकाला है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में वो फ्लो एरिया आएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें। ये उसने अजम्पशंस जो हमने लिए हुए हैं ना उनके इस टॉपिक में उनको दिया हुआ है जी, कि हमने स्टेडी स्टेट या हमने लैमिनार का हुआ फ्लो को, डेंसिटी हमने कांस्टेंट कही हुई है, जब डेंसिटी कांस्टेंट कहते हैं तो मींस कि इनकंप्रेसिबल फ्लो होता है, हमने स्टेडी स्टेट की अजम्पशन ली हुई है, हमने न्यूटोनियन की अजम्पशन ली हुई है, और ई देखें एंड इफेक्ट्स आर निग्लेक्टेड, हमने कहा हुआ है कि एंड इफेक्ट्स जो है वो निग्लेक्टेड है, ये सारे अजम्पशन की जस्ट उसने जो है ना दोबारा समरी दी है। एक एग्जाम्पल 2.3.1 है, सिंपल एग्जाम्पल है, इसका सोल्यूशन भी है बेटा, वो आपने करना है,
और साथ एग्जांपल नंबर 2.3.2 जो है वो आपने करनी है. एंड देन रिवाइज दिस केस इफ द फ्लो इज अपवर्ड. ये आपकी असाइनमेंट है. एक तो आप एक असाइनमेंट यही है ना कि जो लेक्चर जो आप कर रहे हैं आपने ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा और आपने जो है आज लेक्चर ले भी लिया है. आपने इस टॉपिक को बुक में से अच्छी तरह पढ़ना है. बुक में से अच्छी तरह पढ़ने के बाद आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है. बेसिकली वो असाइनमेंट जो है वो आपके लेक्चर नोट्स ही आपकी असाइनमेंट है. वो आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है, कलर फिगर बनानी है और सारा जो ये हमने आज पढ़ा है उसको आपने सारा आपने कंप्लीट करना है और उसके बाद दोबारा इस केस को करना है. रिवाइज दिस केस इफ द फ्लो इज अपवर्ड. अब अगर मैं कहूँ कि फ्लो डाउनवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड की बजाय फ्लो अपवर्ड है, तो आपने ये पूरा टॉपिक ये दोबारा इसको करना है. दोबारा आपने डायग्राम बनानी है और कलरफुल डायग्राम बनानी है बेटा. और फ्लो को जो है अब नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड शो करना है. फिर आपने जो है उसी तरह एक शेल लेना है, शेल के ऊपर मोमेंटम बैलेंस लगा के तो आपने वेलोसिटी प्रोफाइल निकालनी है और आपने जो है वो शियर स्ट्रेस की प्रोफाइल निकालनी. सो ये केस आपने अपवर्ड फ्लो के लिए दोबारा करना है. असाइनमेंट जो है आपने मुझे सबमिट करानी है. आपको पता है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो मंडे तक है, तो मंडे में जो है वो ये लेक्चर भी आपका शामिल होगा ये जो मैंने आज आपको काम दिया है. सर मंडे से आगे कर दें सर, वो पहले भी बड़ा लंबा था. यस सर, पिछला काम बहुत बड़ा है. इस तरह तो वो आगे करते जाएगा, इस तरह तो चलते चलते क्यामत ही ना आ जाए यार. नहीं सर, वो मंडे तक करवा दें सर. ये वाला इंक्लूड ना करें सर, पिछला आ जाए सर इंशाल्लाह. नहीं यार इस अब नहीं आपको देना काम आपने, क्योंकि वो आप लोग नेक्स्ट जो है वो लास्ट टाइम आप लोग ने करवाई थी ना करवाते. इस तरह फिर आगे आगे चलते रहेंगे हम. आप लोग इस वीकेंड के ऊपर ना ये काम को कंप्लीट करें. चले आप इसको वेडनेसडे तक कर लें, मैं दो दिन आपको मजीद दे देता हूँ ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर से पहले, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर भी शामिल हो जाएगा इसमें. तो इसको जो है आपने फिर मंडे की बजाय इसको वेडनेसडे तक आप मुझे नेक्स्ट वेडनेसडे तक मुझे कंप्लीट आपने जमा करानी है. नेक्स्ट वेडनेसडे 4 बजे तक और वेडनेसडे को आ जाएगी आपकी 5 तारीख. जी उमर अमीन साहब ठीक है, नोट कर लिया आपने? यस सर. यस सर कर लिया सर, ठीक होगा सर. थैंक यू सर. वो है 2.2 एग्जांपल जो आपने पहले दी थी ना हमें सर. इसको फिर आप नहीं करना है. जो चीज फिर टीचर से नहीं ना होती वो असाइनमेंट होती है स्टूडेंट की और वो स्टूडेंट ने करनी होती है. ये सर है. वो बाकी जो आपने काम दिया था सर वो तो हमने सर हो जाए सर, वो हमने ट्राई किया सर, वो हमसे नहीं हो रहा है. सीरीज इन्वॉल्व है. अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो केस किया था तो विस्कोसिटी को कांस्टेंट रख के किया था. अब देखें आप इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें कि जहां पर हम अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब जाते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. अब हमने जस्ट क्या किया कि हमने एक पॉइंट को छेड़ा. वो पॉइंट क्या छेड़ा कि हमने कहा कि विस्कोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है. अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, हमने पहले कहा था कि विस्कोसिटी कांस्टेंट है तो म्यू को हम कांस्टेंट लेकर चले. अब हमने थोड़ा सा जो है ये चीज चेंज किया है. अच्छा अगर विस्कोसिटी कांस्टेंट ना हो, विस्कोसिटी चेंज हो रही हो, तो जैसे ये करते हैं तो आप देखेंगे मैथमेटिक्स जो है वो कम्प्लेक्स चला जाता है और टेलर सीरीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है. अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को बेटा? इसी तरह अगर मैं कहूँ कि टर्बुलेंट फ्लो करो और मैं कहूँ कि डेंसिटी भी चेंज हो रही है और फिर मैं कहूँ कि अनस्टेडी स्टेट भी है और अगर मैं कहूँ के साथ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, कहूँ साथ हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर को कंसीडर करो, तो आपकी यकीनन आपकी जो है वो फोत हो जाएंगे हम सब ना. सो उसके अंदर विस्कोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट लिया हुआ है और उसके अंदर टेलर सीरीज ओपन की हुई है. इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ इसका. बाकी उसको करने की कोशिश करें. जो बच्चा करेगा दैट वुड बी द चैम्पियन, he or she would be the champion of 2018 और इंशाल्लाह उसको ए ग्रेड आएगा इंशाल्लाह ताला, जो बच्चा इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है जी, कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है हाथ खड़ा करें. आज मैं देख लेता हूँ कितने जो हैं वो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं. कौन इसको करेगा जी? नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो कर लेगा दैट्स वेरी गुड.
ग्रेट फहीम साहब भी, यासिर सदीक साहब भी, हशमाइल साहब भी, सैयद फरजान भी, जुनेद भी, गुड सब। तो इसको बेटा ट्राई कीजिएगा, कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं कर सकेंगे तो आपको आप फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच सबका, आप फेल नहीं होंगे। जो भी आप, एक तो फेल होने का डर निकाल दें तो फेल नहीं होंगे, लेकिन इसको चीज़ों को जो है वो आपने इसको करना है। तो जो करेगा सक्सेसफुली करेगा और मुझे सेंड करेगा, दैट वुड बी इंशाल्लाह चैम्पियन, और ऑब्वियसली उसकी वो ग्रेड भी उसको अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके बेटा जी, यानी क्वेश्चन मजीद कोई सवाल और जवाब आपने करना है तो कर लें, अदरवाइज फिर हम जो है वो जी बेटा। सर आप ईद की छुट्टियां कब दे रहे हैं? ईद की छुट्टियां नहीं है यार, ईद की छुट्टियां कोई नहीं होनी सर, ऐसा तो ना करें। ईद की छुट्टियां कितने रोजे रखे हैं आपने? रोजे सारे रखे हैं सर। एक्चुअली आपको पता है यार, मैं वेला बंदा हूँ, फारग हूँ, इधर के एस के में रहता हूँ, तो मैं तो फारग हूँ ही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी साथ इंगेज ही रखूंगा सर। देखने सर, स्कूल वालों सर, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की क्लासेस ही हो रही हैं, बाकी सब तो छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ ये भी है, और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है यार, बस ये यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कर लो, आगे लाइफ बहुत ईजी होगी। तो सुनते आ रहे हैं ना शुरू से ही, अच्छा यार मैट्रिक कर लो बस फिर आगे आसानी है, फिर एफ एस सी कर लो फिर आसानी। अब मैं कहता हूँ कि बस यार यूनिवर्सिटी की डिग्री कर लो फिर बड़ी आसानी है यार आगे बस। तो वो तो आपको पता लगेगा ना, जब आप डिग्री करके मार्केट में जाएंगे तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के वक्त को याद किया करेंगे कि यार वो कितना अच्छा वक्त था। यस सर, तो कर लेंगे यार इंशाल्लाह, अभी तो काफी दिन है यार, अभी तो रमजान आप ठीक है जी। उमर अमीन साहब, सी आर साहब, यस सर। बेटा वो दूसरा सी आर किधर है? अली आरिफ उमर आफाक अली किधर है यार? ना है ये सही हुई है लाइट।